हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेमबालिया। दोस्तों, क्या आप एक डिप्लोमा होल्डर हैं या आप डिप्लोमा करने की सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको अपने 6 साल के जॉब एक्सपीरियंस और अपने स्ट्रगल से जो भी नॉलेज हासिल हुई है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज मैं आपको डिप्लोमा की हकीकत बताने वाला हूँ कि जब हम डिप्लोमा करते हैं तो हमारी क्या थिंकिंग होती है, और जब हम डिप्लोमा कम्प्लीट कर लेते हैं तो हमारी एक्चुअल कंडीशन क्या होती है, और आपको डिप्लोमा के बाद क्या करना चाहिए जिससे कि आपका करियर अच्छी डायरेक्शन में जा सके और आप एक अच्छी जॉब पा सको, वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जॉब्स, करियर एंड ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ की अपडेट्स आपको सही समय पर मिल सके, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी जॉब रिलेटेड वीडियो के लिए आप लेट ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात चलती है कि डिप्लोमा एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हमें किसी अच्छी कंपनी में इंजीनियर डेजिग्नेशन के साथ एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी। और इस चक्कर में ज़्यादातर लोगों का दिमाग पढ़ाई से हटकर फ्यूचर में मिलने वाली जॉब के ऊपर चला जाता है, और स्टूडेंट किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बारे में ही सोचने लगते हैं। पर दोस्तों, जैसे ही आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, आपके सामने एक नई कंडीशन आ जाती है जो कि आपकी सोची हुई कंडीशन से पूरी तरीके से अलग होती है। असलियत में होता ऐसा है कि अगर 100 स्टूडेंट एक टाइम पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो उनमें से बस 10 या उससे भी कम लोगों को जॉब मिल पाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज के टाइम पे इंजीनियरिंग फील्ड में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, और कंपनियों की डिमांड के हिसाब से हमारी जो पढ़ाई होती है वो मैच नहीं करती, और ये बेरोजगारी में बदल जाता है। आप लोगों ने तो ये न्यूज़ सुना ही होगा कि चपरासी की वैकेंसी के लिए भी इंजीनियर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हम इस प्रॉब्लम से बच सकें? आज मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, पर हाँ, जो भी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैंने फेस की हुई हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बात डिसाइड करना होगा कि आप डिप्लोमा क्यों करना चाहते हैं। मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा जॉब। आप एक अच्छी जॉब पाने के लिए डिप्लोमा करना चाहते हैं, पर दोस्तों, इसमें भी काफ़ी कंडीशन है। कुछ लोगों को प्राइवेट जॉब करना है, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, और ज़्यादातर लोग दोनों में से जो कोई भी जॉब मिल जाए वो करना चाहते हैं। आज मैं आपको प्राइवेट जॉब की हकीकत बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। दोस्तों, अगर आप एक प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो ये ध्यान में रखना होगा कि आपका स्टार्टिंग का जो 3 साल होने वाला है वो काफ़ी ही मुश्किल भरा होने वाला है। स्टार्टिंग में आप फ्रेशर होते हो और आपके पास इंडस्ट्रियल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती, जिसकी वजह से आपको कम सैलरी के साथ एज अ ट्रेनी कोई जॉब मिलती है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपको पढ़ाई खत्म करते ही या फिर अगले 1 या 2 साल बाद इंजीनियर की जॉब एक अच्छी सैलरी के साथ मिल जाएगी, तो आप गलत सोचते हो। जो सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपको अपने करियर में गैप नहीं लाना है। मतलब कि 5th या 6th सेमेस्टर के एंड होने से पहले या एंड होने के 1 या 2 महीने के अंदर अपने ब्रांच से रिलेटेड जॉब ढूंढ लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होगा। अगर आपका कॉलेज कैंपस सिलेक्शन करवाता है तो आपको बिना देर किए कैंपस सिलेक्शन के थ्रू जॉब ले लेना चाहिए अपने ब्रांच से रिलेटेड। और अगर आपके कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जिसमें कि मैंने एक कॉलेज का नाम बताया है जिसमें कि आप बहुत आसानी से उस कॉलेज में करवाई जाने वाली कैंपस सिलेक्शन में, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो कैंपस सिलेक्शन ऑर्गेनाइज की जाती है उस कॉलेज में, आप उसमें बहुत ही आसानी से हिस्सा ले सकते हो। आप चाहे इंडिया के किसी भी कॉलेज से पढ़े हुए हो, बशर्ते आपका कॉलेज AICTE से अप्रूव होना चाहिए। इस वीडियो में मैंने जिस कॉलेज के बारे में बताया है उसमें डिप्लोमा के सभी ब्रांचेस के लिए महीने में कम से कम 1 या 2 ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों का कैंपस सिलेक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें कि पूरे इंडिया से कोई भी स्टूडेंट हिस्सा ले सकता है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिख रहे आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को आप सर्च कर सकते हैं। पर दोस्तों, अभी आप कहीं मत जाइए, पहले इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि आगे मैं बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। तो जैसे ही ये वीडियो खत्म हो जाए, उसके बाद जो मैंने आपको वीडियो सजेस्ट करी उस वीडियो पे खत्म होने के बाद ही जाइए। मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलती है और आपको जनरली क्या डेजिग्नेशन मिलती है। दोस्तों, स्टार्टिंग में जो आपकी सैलरी रहती है वो 10 से 20 हज़ार रुपये के बीच में रहती है पर मंथ, और ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता रहता है, कोई ऐसा फिक्स अमाउंट नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ।
ये कॉलेज का कैंपस प्लेसमेंट का पेज है, इसमें आप देख सकते हैं कि सभी कंपनी में जो एवरेज सैलरी है वो 10 से 20,000 के बीच में है, और जो आपको डेजिग्नेशन मिलती है वो या तो जेई जूनियर इंजीनियर या फिर डीईटी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की मिलती है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है और आपको जॉब नहीं मिल पाई है तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारी पढ़ाई मैच नहीं कर पाती और ये इंडस्ट्री में जॉब ना मिलने का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, आज के टाइम पे आपको अगर कहीं इंडस्ट्री से रिलेटेड पढ़ाई करने को मिलेगी तो वो है टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर। जनरली ये पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में है और इन कॉलेजों में आपको इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट जैसे PLC, स्काडा, ऑटोकैड, CATIA, CNC प्रोग्रामिंग जैसे बहुत ही यूजफुल कोर्स करने को मिल जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। केवल 1 से 3 महीने और 10 से 20,000 के बीच में ये कोर्स करने को मिल जाते हैं और एडमिशन भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ऐसे कॉलेज से ट्रेनिंग लेने के बाद स्टूडेंट का 80% जॉब लग जाता है, क्योंकि ऐसे कॉलेजेस का टाई अप डायरेक्टली बड़ी बड़ी कंपनियों से होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने ये बताया है कि आपको कैसे इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, क्या क्या प्रोसीजर है, और इस वीडियो का लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि किस ब्रांच के लिए कौन सा कोर्स ज़्यादा बेहतर रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों का ज़्यादा कमेंट आता है तो मैं इस टॉपिक पे एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा आप लोगों के लिए। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एंड में दे दूंगा, आप मुझे वहाँ से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।